दुरौंदा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रोहित कुमार अनुराग उर्फ भोला जी ने किए क्षेत्र का तूफानी दौरा। क्षेत्र का दौरा करने के वक्त क्या कुछ कहा भोला जी ने दुरौंदा से, देखिए हमारे संवाददाता शिवम कुमार के साथ। उम्मीदवार के तौर पे बोले या सच बोले? उम्मीदवार के तौर पे भी बोलेंगे तो अपार जन समर्थन है और सच बोलेंगे तो बहुत अपार जन समर्थन है। विकास की बात है, विकास मॉडल है दरौंदा में, क्या बिजली और सड़क से विकास होता है? मेरे आपने सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, मैं क्या बोलूँ। विकास का मतलब जहाँ जो आप जनप्रतिनिधि हैं, निर्वर्तमान विधायक जो हैं, जहाँ उनका विकास समाप्त होता है वहाँ से असल में विकास शुरू होता है। विकास का मतलब होता है बेहतरीन चिकित्सा सुविधा, बेहतरीन शिक्षा प्रणाली, नौजवानों को रोजगार और नौकरी के अवसर। दरौंदा में बहुत से जनप्रतिनिधि आए लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, और आप जीते हैं तो इसमें कितना होगा? होगा, जरूर होगा। आपकी मुद्दा क्या होगा अगर चुनाव जीतते हैं तो? विकास के अलावा क्या मुद्दा हो सकता है? यहाँ जो चीज़ नहीं है वही चीज़ तो करना है, और क्या यहाँ और क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, यहाँ पे हर किसान जो है खुशहाल हो, हर नौजवान के पास रोज़गार हो, और आपके चलने के लिए बेहतरीन सड़कें हो, 24 घंटा बिजली हो, और स्वच्छ जल पीने के लिए हो, बेहतरीन चिकित्सा सुविधा हो, ये विकास है। मगर क्या है, ये चुनावी वादे नहीं हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं। प्राथमिकताएं पहले जो होती हैं वो होती हैं शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इसी हिसाब से ये चलेगा। मेरे चैनल के माध्यम से दरौंदा वासियों से क्या अपील कीजिएगा? आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता देव को और जो हमारे अभिभावक जो हमारे गार्जियन हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई, आपका लड़का आ रहा है आपके बीच, पहुँचेगा जरूर, लेट होगा मगर पहुँचेगा जरूर। आप एक बार उसे अवसर दें, आपको आपके उम्मीदों पे खरा उतरेगा, आपको निराश नहीं करेगा। और चुनाव चिन्ह क्या होगा? मेरा चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा है जो ईवीएम मशीन के क्रमांक 10 पे, 10 नंबर पे है। आप 3 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपना मत दें और अपने बेटे को भारी से भारी बहुमत से जिताएं। लगातार भोला जी के साथ घूम रहा है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? फुल बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। जो भी इनके टक्कर का कोई भी उम्मीदवार इनके जैसा व्यवहारिक और पढ़े लिखे कोई भी व्यक्ति नहीं है। 12 कैंडिडेट हैं, सबसे बेहतरीन ये दिख रहे हैं आपको? जी, 11 ही हैं भाई, 12वां मतदान नोटा एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है, डिट्टो है। कोई बहकावा यहाँ कोई काम नहीं करेगा। पर्चे बता दीजिए पूरा। मैं विनय कुमार सिंह, घर रामसापुर, जिला सिवान। बीच आज रोहित जी आए हुए हैं, क्या इनको आप मत देंगे? हाँ, क्यों देंगे? आखिर बहुत से कैंडिडेट हैं लेकिन यही को आप मत क्यों देंगे? अपना पढ़ा लिखा योग है इसलिए देंगे, और सब लोग से पूछिए, बात कीजिए, जहाँ जहाँ प्रोग्राम किए हैं मत देंगे आप। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। विनोद कुमार महतो, मिथुन कुमार।